सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा इक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू इक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ठुकराई केंद्र नाल गलबात दी पेशकश। 30 जथेबंदियां दी चंडीगढ़ विच मीटिंग। जी हाँ, दस दईए कि पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार नाल गलबात बारे अज फैसला लैणगियां। इस तो पहला अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने गलबात दे सद्दे नूं किसान जथेबंदी ने इल्जाम लाया कि केंद्र सरकार किसानां विच फुट पा रही है। जेकर सरकार सचमुच गंभीर है तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मीटिंग करन। उधर ती किसान जथेबंदियां अज चंडीगढ़ विच मीटिंग कर रहियां हन, जिस विच केंद्र नाल मीटिंग बारे फैसला लिया जाएगा। किसान जथेबंदियां दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रियां पीयूष गोयल ते नरेंद्र तोमर वालों 13 नवंबर नूं बुलाई गई मीटिंग विच शमूलियत बारे विचार करनगियां। इस तो इलावा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जो 30 किसान जथेबंदियां नालों वक्खरे तौर ते संघर्ष कर रही है वालों भी दिल्ली जाण संबंधी फैसला लिया जाएगा। पंजाब ते हरियाणा नूं पराली साड़न वालियां खिलाफ सख्ती वरतण दे हुकम। जी हाँ, दस दईए कि त्योहारां दे मौसम दौरान लगातार वध रहे प्रदूषण दे मद्देनज़र केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पंजाब ते हरियाणा दीआं सरकारां नूं पराली साड़न दीआं घटनावां ते तुरंत सख्ती वरतण दे हुकम दित्ते हन। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली NCR विच अधिकारियां नूं 17 नवंबर तक गर्म मिक्स प्लांट ते पत्थर दे क्रशर बंद करन दे बायोमास साड़न दी सख्ती नाल जांच करन लई कहा। किसे भी मामले विच उलंघना करन वालियां विरुद्ध सख्त कारवाई कीती जानी चाहीदी है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सूबा सरकारां नूं नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वल्लों जारी आदेशां मुताबिक पटाकियां ते पाबंदी लगाउणा यकीनी बनाया जावे। दरअसल त्योहारां दे मौसम विच पराली साड़न नाल प्रदूषण पहलां दे मुकाबले वधण दे आसार हन। इस नूं लै के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। बैंक मुलाजमां लई वड्डी खुशखबरी, तनखाह विच वाधे दा ऐलान। जी हाँ, दस दईए कि बैंक मुलाजमां लई वड्डी खुशखबरी है। दरअसल देश दे लखां बैंक मुलाजमां नूं दिवाली तों पहलां वड्डा तोहफा मिलिया है। बैंक मुलाजमां दी तनखाह विच 15% इजाफा होवेगा। बैंक मुलाजमां दी तनखाह दा लाभ नवंबर तों ही मिलना शुरू हो जावेगा। बैंक कर्मचारियां नूं नवंबर महीने दी तनखाह वाधे नाल मिलेगी। भारतीय बैंक संघ ने दस्सिया, कर्मचारी यूनियनां ते अधिकारी संघां दे नाल होई मीटिंग विच 11वीं दो पक्षी वेतन वाधे नूं सहमति दे दित्ती गई। RBI दे मुख कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने कहा, भारतीय बैंक संघ यूनियनां ते अधिकारियां नाल 11वीं दो पक्षी तनखाह वधाउण संबंधी होई वार्ता विच सहमति तों बाद ही इह ऐलान कीता गया। समझौते विच तनखाह दे 15% इजाफे दा प्रबंध है। इह समझौता सरकारी खेतर दे बैंकां, कुछ पुरानी पीढ़ी दे निजी ग्राहकां ते कुछ विदेशी बैंकां ते लागू होवेगा। कैप्टन नूं पियाकड़ां दा सहारा, भर दित्ते सरकार दे खाली खजाने। जी हाँ, दस दईए कि कोरोना लॉकडाउन दौरान टैक्सां तों होण वाली ते गैर टैक्स आमदन बहुत ज़्यादा घट गई सी, पर आबकारी टैक्स तों होण वाली आमदन कारण हुण पंजाब नूं राहत मिली है। पंजाब दे खजाने नूं भरन लई पियाकड़ां ने वड्डा रोल निभाया है। हुण तक मालिया दा वड्डा हिस्सा आबकारी कर तों ही आया। बीते अक्तूबर महीने दौरान ही आबकारी आमदन विच 20% वाधा होया। अक्तूबर 2019 विच इह आमदन 419 करोड़ रुपए सी ते पिछले महीने ओह वध के 501 करोड़ रुपए हो गई। इंज ही पिछले साल 2019 विच अप्रैल तो अक्तूबर तक 2735 करोड़ दी आबकारी आमदन होई सी ते इस वरे 2020 विच अप्रैल तो अक्तूबर तक इह आमदन वध के 2984 करोड़ रुपए हो गई सी। दस दईए कि पंजाब सरकार पहला ही आर्थिक तंगियां तुरशियां दा सामना कर रही है। दरअसल सूबा सरकार ने शराब दी स्मगलिंग ते गैर कानूनी तरीके विकण वाली शराब उत्ते सख्ती कीती, तद जाके आबकारी आमदन विच इह वाधा वेखण नूं मिलिया। सूबा सरकार दी आबकारी आमदन विच वाधे दा दावा एक्साइज विभाग ने कीता। PNB ग्राहकां लई खुशखबरी,
बैंक ने शुरू की है नवी सुविधा। जी हाँ, दस दईए कि पंजाब नैशनल बैंक ग्राहकों की सहूलत लई PNB वन ऐप लैके आया है। इस ऐप जरिए तुसी अपने घर बैठे ही बैंक नाल संबंधित काम कर सकते हो। हुण तुहानू किसी भी काम लई ब्रांच जाण दी जरूरत नहीं होवेगी। इस ऐप ते रजिस्टर्ड होने दे बाद यूजर्स अपनी फोन बुक कंटैक्ट विचों किसी नू भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस दे इलावा तुसी सुकन्या समृद्धि खाते नू भी PNB वन ऐप नाल लिंक कर सकते हो। PNB ने अपने अधिकारी ते ट्विटर ते ट्वीट करते हुए लिखिया, तुसी अपने डेबिट कार्ड नू अस्थाई रूप तो जदों चाहो चालू अते बंद करन लई PNB वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। तुसी अज तो ही अपने PNB वन ऐप का इस्तेमाल करो। PNB वन एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो एक ही रंग मंच ते सारियां बैंकिंग सुविधावां प्रदान करता है। इस ऐप जरिए तुसी बिना ब्रांच गए अपने सारे काम करवा सकते हो। कैप्टन सरकार दी सख्ती, हुण कलर्क ते कोच भी कट्टणगे चलान। जी हाँ, दस दईए कि कोरोना वायरस की दूजी लहर के मद्देनजर पंजाब सरकार होर सख्त हो गई है। हुण दसंबर विच सरकारी विभागां दे कर्मचारी खेड कोच भी चलान कट सकणगे। इन्हां दे नाल ही पुलिस टीम भी मौजूद रहेगी। पुलिस अधिकारियां दे नाल मीटिंग तो बाद नवी व्यवस्था लागू की जाएगी। मास्क न पहनण, सोशल डिस्टेंस की पालना न करन, जनतक स्थाना ते थुकण आदि दे चलान कट्टण दा अधिकार सुपरडेंट कलर्क खेड कोचा समेत कई कर्मचारियों नूं दिता गया है। अजे तक पुलिस ते सेहत विभाग दे अधिकारी ही चलान कट्टदे सन। इस संबंधी सेहत ते स्थानक विभाग दी मीटिंग हो चुकी है। हुण दर्जा दो अधिकारी भी कोरोना प्रोटोकॉल दा पालन ना करन वालियां दे चलान कट सकणगे। विभाग ने जुर्माना राशि वधाउण दा भी सुझाव दिता। सरकार दी चिंता इस लई वध गई है क्योंकि सूबे विच लगातार कोरोना मरीजां दी गिणती वधदी जा रही है। RBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸ਼ਕਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਬਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 8.6% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਚ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 24% ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ 9% ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ,
खजाना मंत्री ने किया स्वै निर्भर भारत 3.0 का ऐलान। जी हां दस दईए कि कोरोना आफत दरमियान आर्थिकता नूं सही रस्ते ते लियाउण लई सरकार ने एक होर राहत पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रैस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि ताजा अंकड़े अर्थचारे विच सुधार दे संकेत दिखा रहे हन। सरकार ने स्वै निर्भर भारत 3.0 की घोषणा की। इस दौरान स्वै निर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ता जो नवे रोजगार पैदा किए जा सकन। उन्होंने कहा कि स्वै निर्भर भारत 3.0 के तहत 12 ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताजे अंकड़े अर्थचारे विच सुधार के संकेत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि GST संग्रह वर्गे कई वधिया अंकड़े सामने आए हैं। इस दे नाल ही रिजर्व बैंक ने संकेत दिता है कि तीजी तिमाही विच आर्थिकता सकारात्मक GDP वाधे नूं हासिल कर सकती है। दोस्तों जे तुहानू इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।